शुक्रगुजार करते हैं, माननीय लालू जी का भी शुक्रगुजार करते हैं, राबड़ी देवी जी का भी शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने बहुत सही कदम लिया। और ये बात मैं आपको बता दूं, अगर 24 में नीतीश कुमार जी को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री का कैडर के रूप में, और जहां तक बात है तेजस्वी जी को 25 में सीएम हम लोग बना के रहेंगे, ये हम लोग का प्रण है। इस वक्त अभी हम राबड़ी आवास के बाहर में खड़े हैं, यहाँ पे जो एसटीडी शिक्षकधारी शिक्षक मेरिट अभ्यर्थी हैं, ये लोग आज राबड़ी आवास के बाहर पहुँचे हुए हैं। क्यों पहुँचे हुए हैं? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद से मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग आइए बात करते हैं। हम सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम बंटी कुमार, एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। लगातार हम पटना के अंदर में 1.5 साल से आंदोलन करते रहे, और आपके जो चैनल है द पंचायत, आप हमको पता है पहले भी एसटीटी को कवर करते रहे, सीटेट को कवर करते रहे, बीटेट को कवर करते रहे। मैं बता दूँ आपको, आज जो हमारी सरकार बनी है कहीं ना कहीं ये एसटीटी का दबाव है, जिनके खिलाफ हमने लगातार 1.5 साल से अपनी आवाज़ को हम बुलंद किए हुए हैं, और हमेशा हमने सरकार पर हमलावर रहे, और आज उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक सही फैसला लिया। जो इन्होंने रोजगार का जो बात वादा किया था, 19 लाख रोजगार इन्होंने छलावा किया। केंद्र की जो सरकार थी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की, वो भी एक छलावा था। तो आज मैं बता दूं 15 अगस्त को इन्होंने कहीं ना कहीं घोषणा किया 20 लाख नौकरी देंगे, और ये अभी जो बोले हैं तेजस्वी जी की घोषणा पत्र में खुद था कि 10 लाख नौकरी देंगे। तो 100% हमको विश्वास है कि तेजस्वी जी युवा हैं, कर्मठ हैं और कर्म प्रधानशील व्यक्तित्व हैं। हमको पूरा यकीन है कि ये एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के साथ टोटल जितने सारे क्वालिफाइड 80,402 की संपूर्ण बहाली होगी, और हमारा जो 2 गुट में बटा हुआ साथी था, मेरिट और नॉट मेरिट, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया, और एक प्लेटफॉर्म पे ला के कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है। तो इस बात को मैं बता दूं, अब जो बहाली आएगी, और मैं इसलिए आज हम लोग आए हुए हैं मिलने के लिए तेजस्वी जी से, कि हम लोग को सबसे पहले 7वां चरण का नोटिफिकेशन लागू करें और कहीं ना कहीं डोमिसाइल लग के आए, क्योंकि बहाली खुलना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग लगातार आज 2019 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और 1.5 साल से पटना के अंदर में कई जगह पे हम लोग आंदोलन किए। तो हम आपके द पंचायत चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार के 3800 जिला अभी भी जो अभ्यर्थी घर में सोए हुए हैं, घर से बाहर निकलिए और अपनी आवाज़ को पटना के अंदर में बुलंद कीजिए, और सरकार तक हम अपनी बात को पहुँचाने आए हैं। और हमको पूरा विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि जितने सारे एस्टेट आज क्वालिफाइड अभ्यर्थी आए हैं, उनकी मांग को सहर्ष ये सरकार स्वीकार करेगी। 2019 से लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की मांग जायज है, लेकिन उसी में 2 गुट बढ़ गया था आज से महागठबंधन सरकार बनने से कुछ दिन पहले तक। देखिए, मेरिट और नॉन मेरिट, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरिट और नॉन मेरिट में, जिसमें मेरिट वाले में अनिल जी थे, नॉन मेरिट वाले में कुंदन जी थे, लगातार आपस में लड़ाई करते थे, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते थे, और आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप दोनों एक साथ आ गए हैं? मजबूरी नहीं कहिए, ये समय की मांग थी। यही तेजस्वी जी से जब जब मिलते थे, यही तेजप्रताप जी से जब जब मिलते थे, ये कहा करते थे सरकार आपको लड़ा रही है। इस बात को आप समझिए, सरकार की मंशा क्लियर नहीं थी, वो इलेक्शन तक इसको लेके जाना चाहती थी, लोकसभा का इलेक्शन। आपको सरकार लड़वा रही थी, आप लोग खुद आपस में लड़ रहे थे? नहीं, सरकार लड़वा रही थी। 12 मार्च को जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और एग्जैक्ट रिजल्ट इन्होंने बोला था 12 विषय का 24,599, उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं 21 जून को जब रिजल्ट इन्होंने जारी किया 3 विषय के रिजल्ट के साथ, पूरा रिजल्ट का जो डाटा है पूरा 80,402 पहुँचा दिया। तो मैं आपको बता दूँ, 80,402 अगर इन्होंने पहुँचाया तो किस तरह से पहुँचाया वो सबको पता है। लेकिन अब जब उन्होंने पहुंचा दिया, और उसने मेरिट और नॉट मेरिट का 2 खंड बांट दिया, और हम लोग पटना की धरती पर आंदोलन के 4 दिन के बाद एक लेटर निकाला गया जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट दोनों को एक कर दिया, और कोर्ट का ऑर्डर भी आया जिसमें मेरिट नॉट मेरिट एक है, ये पात्रता परीक्षा कोर्ट ने भी माना इस बात को। तो इस बात को समझिए, किसने लड़ाया? यही भाजपा की सरकार ने, जदयू की, जो जहाँ तक है नीतीश कुमार जी को ऑलरेडी बैकफुट पे थे। आखिर नीतीश कुमार जी क्या करते? सेंट्रल में इन्होंने कमिटमेंट किया, स्टेट गवर्नमेंट में कमिटमेंट किया, कहीं आज इन्होंने रोजगार दिया, सारे सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रहा, कहीं भी देखिए रोजगार कहीं नहीं है, सब चीज़ खत्म कर रहा, युवाएं रोड पे धक्के खा रहे हैं। और लगा ये तो युवाओं को समझना पड़ेगा, युवा तो कह रहे हैं सरकार नौकरी दे रही है हमें, सरकार को नौकरी करने की, युवाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है? मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे अपना, उसके लिए सड़क पर उतरेंगे, लेकिन नौकरी के लिए तो सड़क पर नहीं उतर रही थी। हम आपको बता दें, मैं वही बंटी कुमार हूँ, लगातार इस सरकार और सिस्टम के खिलाफ मैं बोलता रहा हूँ, और कई सारे हमारे साथी
सचिवालय थाना में कई बार अरेस्टिंग हुआ और कई बार हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद किए। मैं इस सरकार और इस सिस्टम के तानाशाही की जहाँ तक बात है, 24 में इसकी सत्ता को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। और अगर नीतीश कुमार और या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम सारे स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का ये आह्वान है कि हम इस सरकार के खिलाफ में वोट करेंगे, क्योंकि इसने युवाओं को ठगने का काम किया, रोजगार में कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया, ये फेंकू की तरह हमेशा सिर्फ फेंकने का काम किया। आज युवा रोड पे भड़क धक्के 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 दर धक्के भटक रहा है, किसके वजह से? यही भाजपा सरकार की वजह से, यही जदयू सरकार की वजह से। इस बात को समझिए, जदयू सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के साथ जो अलायंस पार्टी किया, ये बहुत बड़ा हम लोग की आवाज बनी और हम लोग का ताकत बना। और तेजस्वी जी का हम शुक्रगुजार करते हैं, हम माननीय लालू जी का भी शुक्रगुजार करते हैं, राबड़ी देवी जी का भी शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने बहुत सही कदम लिया। और ये बात मैं आपको बता दूं, अगर 24 में नीतीश कुमार जी को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री का कैडर के रूप में, और जहां तक बात है तेजस्वी जी को 25 में सीएम हम लोग बना के रहेंगे, ये हम लोग का प्रण है। क्या लगता है आप युवा जागरूक हो गए हैं या भाजपा हमेशा उनको ठगने की काम करेगी अगले 24 और 25 के इलेक्शन में भी? बिल्कुल, भाजपा तो हमेशा से ठग रही है, वो तो सिर्फ चोला पहन के बैठा हुआ है। उसका मंत्रालय कोई और कर रहा है, पानी सींचने का काम कोई और कर रहा है, और तमाशा तो लोग जनता देख रहा है। अब हम लोग का जो सरकार है, हम लोग जो युवा सरकार हम लोग के बनाए हैं, यही तेजस्वी सरकार थे हमारे, यही कहे थे कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, आपस में गठबंधन बना लो ना, जैसे ये गठबंधन बनाए उसी तरह हम लोग भी गठबंधन बना लिए। अब तो हमारी सरकार आ गई, आपकी भी सरकार आ गई, मेरी भी सरकार आ गई, अब तो नौकरी दीजिए। आप तो यही बैकफुट पे कहे थे ना कि सामने सब लोग साथ में आइए नौकरी मिल जाएगी। नहीं देखिए, नई नवेली सरकार बनी है, कुछ तो समय लगेगा, आप लोग की नौकरी की बात है, नौकरी मिलेगी, लेकिन आप लोग कुछ दिन देख इंतजार करना चाहिए ना। कुछ दिन पहले भी अभी जो सीटेड बीड शिक्षक अभ्यर्थी है वो भी पीसी में पहुँच गए थे, चंद्रशेखर जी के, उसमें पहुँच के अपना आवाज़ उठा रहे, भाई दो दिन हुई नहीं पद संभाले हुए। जवाब मैं देता हूँ, कितना दिन इंतजार करना चाहिए? 2011 का नौकरी 2022 में लग रहा है, इतना दिन इंतजार करना पड़ेगा? सरकार आती है अपनी एजेंडा लेके और चुनाव का रिजल्ट निकलता है एक दिन में, और शपथ ग्रहण होता है विधानसभा में एक दिन में, क्यों होता है? यहाँ रिजल्ट निकलता है एक दिन में, तो वहाँ पे नौकरी भी तो तुरंत लगनी चाहिए। इतना लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं या 10 साल इंतजार करते रहेंगे? किसी की मृत्यु हो जाएगी, किसी का बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये कौन देखेगा? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम लोग का उम्र बढ़ रहा है या घट रहा? हम लोग का उम्र बढ़ रहा है या घट रहा? फिर से तो हम बचपन तो हमारा नहीं आएगा, हमारा तो बुढ़ापा जाएगा ना, बाल काला से सादा की ओर जा रहा है। तो आप देख लीजिए, राजनीति पार्टी में कोई भी पार्टी हो, तुरंत चुनाव समय पे होती है, तुरंत मंत्रिमंडल का गठन होता है, तुरंत कुछ से कुछ बन जाता है, आम आदमी भी बन जाता है। मगर हम लोग जो इतना क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, अलमुरोग रोड पे हैं और अपनी रोटी मांग रहे हैं, तो रोटी मांगना क्या गलत बात है? पहले केंद्र में बैठे हुए तो आपका हक है मांगना। हाँ, केंद्र में बैठे हुए सरकार जो 2 करोड़ पर साल बताया कि आप लोग को रोजगार देंगे, और जो मैनोफिस्टो में बीजेपी और अलायंस पार्टी का जो गठन था उसमें भी 19 लाख सालाना बोला था कि हम देंगे, तो वो तो सारा 19 लाख 5 साल में बोला था ना। हाँ, बिहार में 5 साल 19 और 2 करोड़ जो पर साल बताया गया। कितना मिला उसमें से? कुछ नहीं। अगर मिलता तो आपके पास अभी हम मीडिया बाइट देते हैं, हम स्कूल में रहते, तो ये बात है। ठीक है, कितनी उम्मीद है आप लोग की तेजस्वी प्रसाद यादव से? बहुत बहुत उम्मीद है महोदय, मैं पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, और जब हम लोग मिलने आते थे नेता प्रतिपक्ष से श्री तेजस्वी यादव जी से, तो अक्सर वो कहते थे कि अलग अलग नहीं, मिल करके लड़ो, मेरिट और नॉट मेरिट मिल करके लड़ो। हम अक्सर कहा करते थे उनसे कि या तो हमारे न्याय की बात करिए, नौकरी की बात करिए, नौकरी दिलवा दीजिए, अगर नौकरी नहीं दिलवा सकते तो कम से कम आत्मदाह का इजाजत दिलवा दीजिए। अच्छा, एक मार्केट में बातें चल रही है, अनिल जी इस कुछ पैसों का गबन किए हैं, क्या कितनी सच्चाई है उसमें? पैसे का इसमें कोई बात ही नहीं है, पैसे का कोई बात ही नहीं है, बात न्याय की है। जब हम आंदोलन करते थे महोदय तो 30,675 रिक्ति था, और उतना ही अभ्यर्थी मेरिट में थे, अब रिक्ति बढ़ के लगभग 1 लाख से पार 1.25 लाख हो गया है। हम क्यों 30,000 की मांग करें? हम क्यों 50,000 से दुश्मनी लें? हमने ये तय किया कि सब की बहाली हो जाए, पूर्ण बहाली। पूर्व जो बहाली होती थी उससे अगर होगा तो 30,000 का भी बहाली नहीं हो पाएगा। यानी गठबंधन कब हुआ?
जी आपकी गठबंधन कब हुआ? गठबंधन 10 दिन पहले लगभग हुआ है, सब मामला सलट गया है, कोई गठबंधन नहीं है। आज वही माननीय से मैं मिलने आया हूँ उपमुख्यमंत्री महोदय से, उनको याद दिलाऊंगा कि आप हमें कहा करते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हारा काम करेंगे अनिल। आज सत्ता में आए हैं, पावर है उनको, हम कहेंगे कि काम करिए और यश की प्राप्ति करिए। जय जयकार होगा बिहार में, बिहार का नेता बनोगे, देश का नेता बनोगे और देश में आपका मिसाल कायम होगा। चलिए, सभी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मतलब 3 सालों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दे ही रहे थे, कई कई बार लाठियाँ भी खाए, इनके साथ साथ हम लोग भी लाठियों को दर्शन हुआ हमें अभी। और ये लोग आज उम्मीद है इनको नई नई वाली सरकार से, ये लोग तेजस्वी प्रसाद से मिलने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि जब विपक्ष में थे तेजस्वी प्रसाद यादव तो लगातार इनको आश्वासन देते थे कि आप लोग जिस दिन हमारी सरकार बनेगी आप लोग को हम पहले नौकरी देने का काम करेंगे। वही उसी उम्मीद से ये लोग आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव इनसे कब मिलते हैं कब नहीं मिलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।